इस साल के अंतरिम रेल बजट में कई नई रेलगाड़ियों को शुरू करने का प्रस्ताव है। नई शुरू की जाने वाली गाड़ियों में 17 प्रीमियम रेलगाड़ी, 38 एक्सप्रेस, 10 पैसेंजर गाड़ियां, 4 मेमू और 3 डेमू गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा 3 गाड़ियों का विस्तार और 3 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि भी की गई है। रेल मंत्री ने बताया कि साल 2013-14 के रेल बजट में लक्षित 1525 किलोमीटर की नई रेल लाइनों के निर्माण के लक्ष्य पर काम करते हुए 1532 किलोमीटर नई रेल लाइनों का विस्तार किया गया। इस साल के अंतरिम बजट में 19 नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण शुरू कराने का प्रस्ताव है, जिसमें तीपुर डुड्डा, नीमच सिंगोली कोटा, दाहोद मोडासा, एटा अलीगढ़, बैतूल चांदूर अमरावती, बेलगाम हुबली लाइनें शामिल हैं। इसके अलावा लातूर रोड, कुडुवाड़ी, पुणे कोल्हापुर, इलाहाबाद प्रतापगढ़ लाइन के दोहरीकरण का सर्वेक्षण शुरू कराने का भी प्रस्ताव है। देश के दूर दराज के इलाकों में रेलवे के विस्तार और सुविधाओं के विकास पर भी खास ध्यान रखा गया है। जम्मू कश्मीर के दुर्गम इलाकों से होकर जाने वाली बनिहाल काजीगुंड रेल लाइन का काम पूरा हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को यातायात सुविधा हो रही है। इसके अलावा उधमपुर कटरा खंड पर रेल संपर्क का कार्य भी पूरा कर लिया गया है, जिससे वैष्णो देवी जाने वाली यात्रियों को सहूलियत होगी। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल क्षमता के विस्तार पर भी खास ध्यान दिया गया है, जिसमें 510 किलोमीटर लंबी रंगिया मुरकोंग सेलेक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को रेल मानचित्र पर लाने के लिए हरमुटी नाहर लागून लाइन को भी शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मेघालय की राजधानी को भी रेल मानचित्र पर लाने के लिए दुधनोई मेहंदी पठार नई लाइन के मार्च तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। हाई स्पीड ट्रेनों की बात करें तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड गलियारे के लिए अध्ययन जारी है। इसके अलावा भारतीय रेलवे दिल्ली आगरा और दिल्ली चंडीगढ़ जैसी चुनिंदा मार्गों पर सेमी हाई स्पीड परियोजना के जरिए यातायात की रफ्तार बढ़ाने के विकल्प पर भी काम कर रही है। रेल मंत्री ने बताया कि छपरा, रायबरेली और दानकुनी में 3 रेल फैक्ट्रियां चालू हो गई हैं और उनमें उत्पादन भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।